अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पार्ट थ्री ऑफ आवर लेक्चर विच इज़ एलिमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन. इन द प्रीवियस लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर्स हमने देखा नेचर ऑफ डिज़ाइन, नेचर ऑफ रिसर्च, जिसमें हमने कहा कि जी प्योर थ्योरेटिकल रिसर्च होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, उसके अलावा हमारे पास एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, कोरिलेशनल रिसर्च होती है, और साथ साथ हमने कॉजल रिसर्च. ये नेचर ऑफ रिसर्च थी. क्लासेस ऑफ रिसर्च में हमने देखा क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है एंड क्वालिटेटिव, QUAL के हम हिसाब से इसको क्वालिटेटिव रिसर्च कह सकते हैं. क्वालिटेटिव रिसर्च होती है. मेथड ऑफ रिसर्च में हमने जो तीन मेन रिसर्च के मेथड्स डिस्कस किए, विच वॉज एक्सपेरिमेंटेशन, केस स्टडी एंड सर्वे मेथड. ऑल्दो मैं आपको यहाँ पे ये भी क्लियर करता हूँ कि इससे हट के और भी मेथड्स होते हैं और डिफरेंट ऑथर्स ने उनको डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया, जैसे एथनोग्राफिक रिसर्च होती है, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होती है, लेकिन ये जो तीन हमारे मेथड्स हैं दे आर मोर पर्टिनेंट, यानी बहुत रिलेटेड टू आवर बिजनेस रिसर्च. फिर टाइम होराइजन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि रिसर्च जो है वो लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल. क्रॉस सेक्शनल का मतलब ये है कि आप डाटा वन पॉइंट इन टाइम पे कलेक्ट कर रहे हैं, और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ये है कि आप जो डाटा है वो मल्टीपल पॉइंट्स इन टाइम, एटलीस्ट टू पॉइंट्स. अगर आप सेम सैंपल से, सेम रिस्पोंडेंट से, या सेम सोर्स से जो डाटा है वो टू टाइम्स पे कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च बन जाएगी. एटलीस्ट टू टाइम, लेकिन मल्टीपल टाइम्स भी हो सकते हैं. अगर आप डिफरेंट रिस्पोंडेंट से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं लेकिन डाटा की नोयत सेम है, तो वो फिर मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल रिसर्च हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च हम उसको नहीं कह सकते. आज के हमारे टॉपिक में हम एक्सटेंट ऑफ रिसर्चर इंटरफेरेंस, स्टडी सेटिंग्स और यूनिट ऑफ एनालिसिस डिस्कस करेंगे. किसी भी रिसर्च में एक रिसर्चर के लिए ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि जब वो स्टडी को परफॉर्म कर रहा है या वो स्टडी में रिसर्च कर रहा है, तो उसमें वो जो नॉर्मल सेटिंग है उसमें कितना इंटरफेयर कर सकता है. अच्छा, अब ये रिसर्च की पर्पस पे तो डिपेंड करता है, लेकिन ये रिसर्च की जो नेचर है, एक तो उस पर भी डिपेंड करेगा, और दूसरा रिसर्च का जो मेथड है ये उस पर भी डिपेंड करेगा. अच्छा, नेचर ऑफ द रिसर्च में अगर आप कोरिलेशनल स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कॉज एंड इफेक्ट को हम नहीं चेक कर रहे, सिर्फ हम रिलेशनशिप देख रहे हैं वेरिएबल्स का, तो इस किस्म की रिसर्च में आमतौर पे हम विदाउट डिस्ट्रप्टिंग द नॉर्मल फंक्शन, यानी हम इंटरफेयर, मिनिमम इंटरफेयर करके, और मैं हमारी इस मिनिमम इंटरफेरेंस क्या होगी कि हम लोगों के पास जाएंगे, उनको हम सर्वे क्वेश्चनेयर पकड़ा दें, उन्हें कहें ये काइंडली अब हमें फिल कर दें, बस इतनी सी हम डिस्ट्रप्शन कर सकते हैं. उसके अलावा ना हम उनको किसी किस्म का कोई ट्रेनिंग दे सकते हैं, ना हम उनके किसी भी टास्क को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारी जो मिनिमल इंटरफेरेंस है इन इन दैट रिसर्चर ओनली कलेक्ट द डाटा बट डू नॉट इन्फ्लुएंस द सब्जेक्ट्स और एनवायरमेंट. यानी कि हम किसी किस्म की भी उनके जो नॉर्मलिंग फंक्शनिंग, और ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, ये जनरली अगर हम वैसे भी रिसर्च करते हैं, तो एक हमारा रिसर्च इंटरफेरेंस जो के क्लासिफिकेशन है वो मिनिमल इंटरफेरेंस है, यानी कि हम मिनिमम उनको अफेक्ट करते हैं. फिर उससे ज़रा बढ़ के अगर एक रिसर्चर मॉडरेट इंटरफेरेंस कर रहा है, तो वो क्या है कि वो सेम इन्वायरमेंट में उनके कुछ वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते. अच्छा, मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स का क्या मतलब है? जैसे आप अगर ये देखें कि आप एक छोटा सा वहीं पे एक एक्सपेरिमेंट उनके साथ परफॉर्म करें, कुछ एम्प्लॉयज़ को आप सोशल सपोर्ट दें और कुछ एम्प्लॉयज़ को सोशल सपोर्ट ना दें, और फिर देखें कि क्या आपके सोशल सपोर्ट, यानी आपके सपोर्ट की वजह से आप जो उनसे बात कर रहे हैं या आप उनको किसी और तरह का सपोर्ट दे रहे हैं, क्या उनके स्ट्रेस पे इफेक्ट हो रहा है. अच्छा, अब यहाँ पे है क्या, एम्प्लॉयज़ तो ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं, ऑफिस में ही हैं, आपने उनके एनवायरनमेंट तो चेंज नहीं की,
आपने क्या किया कि आपने उनके ऊपर कुछ एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस किया, कुछ वेरिएबल्स को। यानी ऑफिस में ये हो सकता है कि किसी आप 10 एम्प्लॉयज लें, ठीक है, आपके पास 10 एम्प्लॉयज हैं, इनको 5 5 के 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये 5 5, ये जो 5 का ग्रुप है इसको आप, अब ये समर्स में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसको आप एसी में बिठा दें और इस ग्रुप को आप नॉन एसी सिर्फ फैन में बिठा दें। अच्छा जी, अब आपने क्या किया कि ये बैठे ऑफिस में ही है, आपने क्या किया कि आपने चेक किया कि क्या इनकी परफॉर्मेंस का कोई इफेक्ट डिफरेंस है। अगर आपने देखा कि जो एसी वाले हैं उनकी परफॉर्मेंस फैन वालों की परफॉर्मेंस से बेहतर है, तो आप ये कॉजैलिटी या कॉज एंड इफेक्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि टेम्परेचर या प्लेजेंटनेस ऑफ एनवायरनमेंट का जॉब परफॉर्मेंस पे इफेक्ट है। एसी की वजह से परफॉर्मेंस अप हो गई और फैन की वजह से परफॉर्मेंस डाउन हो गई। ये बहुत सिंपल एक फील्ड एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म कर लिया। अच्छा, अब इससे भी बढ़कर, ये तो मॉडरेट इंटरफेरेंस हो गया, अब मिनिमल इंटरफेरेंस में क्या था कि आपने किसी भी किस्म इनको इन्फ्लुएंस नहीं किया, वो एसी में बैठे, वो फैन में बैठे, उनको जो मर्जी काम है आपने उनसे बस डाटा कलेक्ट कर लिया। मॉडरेट में क्या किया कि आपने उनके कुछ वेरिएबल्स को, यानी कि आपने सिर्फ उनकी इन्वायरमेंट टेम्परेचर को चेंज किया, लेकिन थे वो ऑफिस में, ऑफिस से आपने उनको हटाया नहीं, उनकी जो नॉर्मल काम चल रहा था वो काम वैसे ही चलता रहा। इससे बढ़कर एक्सेसिव इंटरफेरेंस, ये आमतौर पे लैब एक्सपेरिमेंट में ज्यादा ये ट्रेंड होता है, फील्ड एक्सपेरिमेंट में भी हो सकता है, लेकिन लैब आप क्या करते हैं कि आप उनकी एनवायरनमेंट को ऐसे कंट्रोल करते हैं कि बाकी तमाम वेरिएबल्स को मिनिमाइज करते हैं। यानी कि आपने जो एम्प्लॉय सेलेक्ट किए, ठीक है, आपने उनको 3 डिफरेंट रूम्स जिसमें सारी एनवायरनमेंट कंट्रोल है आपने बिठा दिया, आपने उनको काम भी वो दिया जो सेम है। अच्छा, जब आपने मॉडरेट इंटरफेस किया था तो वो नॉर्मली काम कर रहे थे, उनके जो असाइनमेंट्स मिली हुई थी वो वैसी की वैसी थी, तो उनमें जाहिर है कि असाइनमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी का फैक्ट भी हो सकता है। लेकिन जब आपने एक्सेसिवली इंटरफेयर किया, तो फिर आपने, जब जैसे ये एग्जाम्पल है कि आपके आपने 12 एम्प्लॉयज लिए, 4 को 1 जगह बिठा दिया, 4 को दूसरे रूम में बिठा दिया और बाकी 4 को तीसरे रूम में बिठा दिया। अब उस रूम में उनको जो टास्क आपने दिया, वो इन सबको आपने सेम टास्क दिया, यानी कि टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी सेम है। अच्छा, आपने कोशिश की कि उनकी बाकी जितने एनवायरनमेंट्स में हैं जो उनको अफेक्ट कर सकते हैं, उनका मूड अफेक्ट कर सकते हैं, उनकी थिंकिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें तकरीबन सेम सेम हो, और फिर आपने उनको कोई ऐसा टास्क दिया और आपने फिर उनके लिए इस कमरे में आपने एसी लगाया, इस कमरे में सिर्फ फैन लगाया और तीसरे कमरे में आपने क्या किया कि कुछ भी नहीं, गर्मी में रख दिया उनको, और फिर आपने देखा कि आपने जो उनको टास्क दिया था, क्या वो टास्क में एसी वालों की परफॉर्मेंस बेहतर थी या फैन वालों की बेहतर थी या जिसमें कुछ भी नहीं था उनकी बेहतर थी। तो ये है एक्सेसिव इंटरफेरेंस, यानी एज अ रिसर्चर आपने तो उनकी पूरी लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश की। तो ये एक लैब एक्सपेरिमेंट है, ह्यूमन बीइंग्स पे लैब एक्सपेरिमेंट, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का आपने कोर्स पढ़ा हो तो ह्यूमन बीइंग्स पे भी लैब एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं या फील्ड एक्सपेरिमेंट किए गए हुए हैं। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें द फेमस हैथोन स्टडीज, जो 1920s में जर्नल इलेक्ट्रिक में की गई थी और जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बुनियाद भी बनी थी, तो आपको समझ आएगा कि फील्ड स्टडीज होती कैसे हैं या फील्ड एक्सपेरिमेंट्स होते कैसे हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी आपको बात बताता चलूँ कि जो फील्ड या लैब एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमन बिहेवियर्स को स्टडी करने के लिए किए जाते हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आप ह्यूमन से रिलेटेड बहुत सारे वेरिएबल्स जो हैं उनको आप अफेक्ट नहीं कर सकते। अब पॉसिबल है कि ये 4 लोग जो हैं ये एबिलिटीज में इन 4 लोगों से बेहतर हैं,
तो बावजूद इसके कि इनके पास ना फैन है ना एसी है, ये इनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। ये भी पॉसिबल है कि किसी और घर के प्रॉब्लम की वजह से एसी वाले जो चारों लोग हैं या उनमें से तीन लोग हैं, उनमें वो अपने मूड की वजह से काम बेहतर ना करें, फैन वाले ज़्यादा बेहतर करें और ये गर्मी की वजह से बेहतर ना करें। तो इसका तरीकाकार ये ज़रूर हो सकता है कि हम अपना सैंपल साइज़ बढ़ाते जाएं। तो जितना हम सैंपल साइज़ बढ़ा सकते हैं उस की वजह से हम वो जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स अफेक्ट कर रहे हैं, उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन फिर सैंपल बढ़ाना भी इतना पॉसिबल नहीं है, ख़ास तौर पर जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आप सर्वे तो कर सकते हैं, 500 लोगों से आप सर्वे तो करवा सकते हैं, क्योंकि वन टाइम पर उन्हें डाटा कलेक्ट करना है, डाटा इनपुट देना है। लेकिन आप ज़्यादा लोगों पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उनको लंबे अरसे के लिए एंगेज करना है। उसकी कॉस्ट कैसे बर्दाश्त करेंगे, इतने लोगों को लाएंगे कहाँ से, कंट्रोल कैसे करेंगे, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस एक्सेसिव इंटरफेरेंस में एग्जिस्ट करती हैं। ज़्यादा एक्सेसिव इंटरफेरेंस का जो रुझान है, जैसे आपको पहले बताया है, ख़ास तौर पे ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स में, वो तो मेडिकल साइंसेज में बहुत ज़्यादा है। जब आप ट्रीटमेंट देते हैं, लेबोरेटरी में लोगों के ऊपर टेस्ट करते हैं, पहले एनिमल्स पे स्टडी होती हैं, फिर ह्यूमन बीइंग्स पे स्टडी होती हैं। टू सम एक्सटेंट मॉडरेट इंटरफेरेंस जो ट्रेनिंग्स करवाते हैं, ख़ास तौर पे बिजनेस स्टडीज़ में, वो रिसर्च ऐसी ज़रूर करते हैं कि वो ट्रेनिंग से पहले का डाटा और ट्रेनिंग के बाद का डाटा जो है वो मैयर कर लें। और लेकिन मिनिमल इंटरफेरेंस जो सर्वे बेस्ड स्टडी है, वो ज़्यादातर मिनिमल इंटरफेरेंस पे ही चलती है। रिलेटेड है बिल्कुल हमारे एक्सपेरिमेंट और सर्वे बेस्ड, और जो हमने लास्ट टॉपिक अभी डिस्कस किया है, विच इज एक्सटेंड टू रिसर्चर इंटरफेरेंस इज ओवर स्टडी सेटिंग। अगर आपकी स्टडी किसी आर्टिफिशियल सेटिंग में, किसी लेबोरेटरी के अंदर हो रही है, तो फिर हम कहेंगे कि वो कंट्राइव्ड कंट्रोल्ड यानी कंट्राइव्ड इन्वायरमेंट में। ये वर्ड आप ध्यान में रखें कि जो किसी आर्टिफिशियल सेटिंग में हो रही है वो कंट्राइव्ड इन्वायरमेंट में हो रही है, और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट या कंट्राइव्ड इन्वायरमेंट में जो स्टडीज होती हैं वो ज़्यादातर कॉजल स्टडीज होती हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, इनका जो रिसर्च मेथड है वो एक्सपेरिमेंटल होता है। और ऑफ कोर्स जो हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि इसमें मैक्सिमम इंटरफेरेंस होती है, आपके एक्सेसिव इंटरफेरेंस जो होती है वो आपके रिसर्चर की होती है। तो ये इन्वायरमेंट है कंट्रोल्ड कंट्राइव्ड इन्वायरमेंट। जिस तरह हमने कहा कि तीन रूम्स लिए, एक रूम में एसी था, एक रूम में फैन था और एक रूम में कुछ भी नहीं था, तो ये आपकी आर्टिफिशियल सेटिंग थी, क्योंकि आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह की सेटिंग नहीं होती। लेकिन अगर आपकी नेचुरल एनवायरनमेंट में आप रिसर्च कर रहे हैं, तो फिर हम उसको कहेंगे नॉन कॉन्ट्राइव्ड। यानी नॉन कॉन्ट्राइव्ड जब भी वर्ड आपके आएगा रिसर्च में, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये नेचुरल एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट ऑलरेडी है, चाहे उसमें एक कमरे में एसी मौजूद था, एक में फैन था और एक में कुछ भी नहीं था, लेकिन आपने उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं किया, ये एनवायरनमेंट ऑलरेडी बनी हुई थी। तो अगर आप नेचुरल एनवायरनमेंट में रिसर्च करेंगे जिसमें आप वर्क नॉर्मली प्रोसीड हो रहा होगा, आप उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, एनवायरनमेंट में उसको चेंज नहीं करेंगे, तो ये स्टडी सेटिंग हो जाएगी नॉन कॉन्ट्राइव। तो ज़्यादातर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज और जो मेथड यूज करती हैं सर्वे एंड केस स्टडी, ये होती हैं आपकी केस स्टडी, ये आपकी होती हैं नॉन कॉन्ट्राइव्ड स्टडी सेटिंग। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर हम थ्री अरेंजमेंट्स देख लें, जो फील्ड स्टडीज होती हैं यानी जो फील्ड सर्वेज होते हैं, ये नॉन कॉन्ट्राइव्ड यानी नेचुरल एनवायरनमेंट में होते हैं। जो फील्ड एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, जिस तरह हमने डिस्कस किया था लास्ट अपने स्लाइड में, कि आपने जी एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया मॉडरेट इंटरफेरेंस की, एक रूम में एसी ऑन रखा, एक रूम में फैन ऑन रखा, तो ये भी एक फील्ड एक्सपेरिमेंट था। लेकिन जो लैब एक्सपेरिमेंट होते हैं, जिसके लिए आप स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं लोगों को किसी एक हर जगह पे या किसी एक लैब में आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो कॉन्ट्राइव्ड इन्वायरमेंट। और कॉन्ट्राइव का मतलब क्या होता है, ये आर्टिफिशियल सेटिंग में ये रिसर्च की गई। ये है हमारा लास्ट टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर का, एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन विद इस यूनिट ऑफ एनालिसिस। लास्ट का ये मतलब नहीं है कि इसका डिसीजन भी लास्ट में होगा, लास्ट का मतलब यहाँ पे यही है
यानी कि ये हमारा लास्ट स्लाइड है। टॉपिक तो जाहिर है हम पहले से ये डिसाइड कर लेंगे कि हमने डेटा जो कलेक्ट करना है वो यूनिट ऑफ एनालिसिस हमारा क्या होगा। क्या हम डेटा इंडिविजुअल्स यानी लोगों एक सिंगल बंदे से कलेक्ट कर रहे हैं, या डायार्ड्स यानी पेयर्स जैसे मियाँ बीवी का डेटा, जैसे मैनेजर सबऑर्डिनेट्स का डेटा, तो क्या हम डायार्ड से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। क्या हम ग्रुप्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हम किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप की परफॉर्मेंस किसी दूसरे ग्रुप से कंपेयर करना चाहते हैं तो हम ग्रुप्स का डाटा जो है वो कलेक्ट करेंगे, या हम जैसे डिपार्टमेंटल डाटा होता है कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट्स आप परफॉर्मेंस जो है उसको कंपेयर करना चाह रहे हैं तो फिर ये ग्रुप्स का डाटा हो जाएगा, या हम ऑर्गेनाइजेशंस का डाटा या किसी कल्चर या किसी कंट्री का डाटा। तो ये डिफरेंट लेवल पे हमें पता होना चाहिए कि हमारा यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है। यूनिट ऑफ एनालिसिस रेफर्स टू द लेवल ऑफ एग्रीगेशन ऑफ द डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट डाटा एनालिसिस स्टेज। अच्छा, अब यूनिट ऑफ एनालिसिस ये दोनों किस्म का डाटा, या प्राइमरी डाटा भी हो या सेकेंडरी डाटा भी हो, ये दोनों ही डाटाज में आपके रिसर्च डिजाइन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये डाटा एट इट्स लोएस्ट लेवल किस पर्टिकुलर यूनिट को आइडेंटिफाई कर रहा है। क्या ये ऑर्गेनाइजेशंस का डाटा है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन का डाटा का मतलब एक डाटा पॉइंट एक ऑर्गेनाइजेशन का, दूसरा डाटा पॉइंट दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का, तीसरा डाटा पॉइंट तीसरी ऑर्गेनाइजेशन का, एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट तीसरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट, एक वेरिएबल्स की तीन डिफरेंट वैल्यूज को आइडेंटिफाई करेंगी, या इंडिविजुअल का डाटा है एक एम्प्लॉय की जॉब सेटिस्फेक्शन, दूसरे एम्प्लॉय की जॉब सेटिस्फेक्शन, 500वें एम्प्लॉय की जॉब सेटिस्फेक्शन। तो ये 500 एम्प्लॉयज के 500 जॉब सेटिस्फेक्शन के डिफरेंट वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, या ये ग्रुप्स का डाटा है या ये कल्चर। तो ये हमारे लिए जरूरी है कि हम इस बात को अपने रिसर्च मेथडोलॉजी या रिसर्च डिजाइन के जो हमारा स्टेप है इसके अंदर हम ये पहले से डिसाइड कर लें। कैसे पता चलेगा कि हमारा यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या होना चाहिए, ये हमारा रिसर्च क्वेश्चन जो है वो डिटरमिन करेगा। जब हम अपना रिसर्च क्वेश्चन या प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद अपना रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं तो फिर वहीं पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या होना चाहिए। सो यूनिट ऑफ एनालिसिस की एग्जांपल देखते हैं। इफ वी विश टू स्टडी ग्रुप डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स वी विल प्रोबेबली बी एग्जामिनिंग सच एस्पेक्ट एज ग्रुप साइज, ग्रुप स्ट्रक्चर, कोहेसिवनेस एंड लाइक। तो फिर हमारा यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है, ग्रुप, यानी कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट में जो मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं, या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं उनको मैं ग्रुप्स के तौर पर आइडेंटिफाई कर लूँ, तो उसमें किस डिपार्टमेंट का साइज ज़्यादा है, किस में एम्प्लॉयज ज़्यादा हैं, किसके अंदर एम्प्लॉयज आपस में ज़्यादा कोहेसिव हैं यानी मिलजुल के काम कर रहे हैं, किस में पॉलिटिक्स काम है, तो यहाँ पे मेरा यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है वो ग्रुप हो जाएगा। इट इज नेसेसरी टू डिसाइड ऑन यूनिट ऑफ एनालिसिस इवन एज वी फॉर्मुलेट द रिसर्च क्वेश्चन। तो अब आप यहाँ पे ये चीज देखें कि इवन जब हम शुरू के स्टेप्स में भी होते हैं अपने रिसर्च के, तो हम रिसर्च डिजाइन से रिलेटेड क्यूरीज जो है वो हमारे दिमाग में चल रही होती हैं और हम डिसीजंस ले रहे होते हैं, और हम जब लिटरेचर रिव्यू भी कर रहे होते हैं तो हम रिसर्च डिजाइन से रिलेटेड डिसीजंस ले रहे होते हैं। तो सिंस द डेटा कलेक्शन मेथड द सैम्पल साइज एंड इवन द वेरिएबल्स इंक्लूडेड इन द फ्रेमवर्क में समटाइम्स बी डिटरमाइंड और गाइडेड बाय द लेवल एट विच डाटा इज एग्रीगेटेड फॉर एनालिसिस। तो यूनिट ऑफ एनालिसिस का अंदाजा तो हम जब रिसर्च शुरू होती है, क्या एम्प्लॉयज की मोटिवेशन के ऊपर रिसर्च करनी है तो यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या होगा, वन एम्प्लॉय। अगर आपने रिसर्च करनी है मैनेजर्स एम्प्लॉयज के बारे में, या मैनेज एम्प्लॉयज की जॉब सेटिस्फेक्शन और मैनेजर्स की परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय को जो परफॉर्मेंस रेटिंग है, ठीक है, तो आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस हो सकता है एक डायार्ड यानी एक एम्प्लॉय और एक उसका मैनेजर, एम्प्लॉय की जॉब सेटिस्फेक्शन और मैनेजर की जॉब परफॉर्मेंस रेटिंग, ठीक है। तो
इसी तरह हमने ग्रुप्स की बात की, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस की बात की कि आप इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिटेबिलिटी देखना चाहते हैं, तो आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसी तरह आप इम्पैक्ट इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा जो रिसर्च है उसमें कंट्रीज आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस है कि आप कंट्री लेवल का डाटा जो है उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें समझ आ जाएगी कि हमारे कौन सा लोएस्ट एग्रीगेशन है जिसमें हम अपने डाटा को एनालाइज कर रहे हैं। सो दैट इज एंड ऑफ आवर दिस पर्टिकुलर लेक्चर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में मेयरमेंट्स टेक्निक्स को, सैम्पलिंग टेक्निक्स को और डाटा कलेक्शन टेक्निक्स को जो है वो एलेबरेट करेंगे। इस टॉपिक में हमने नेचर ऑफ रिसर्च, क्लासेस ऑफ रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च, टाइम होराइजन, एक्सटेंट ऑफ रिसर्चर इंटरफेरेंस, स्टडी सेटिंग एंड यूनिट ऑफ एनालिसिस को डिस्कस किया। So that was all about it. Thank you.